Good morning, student. Myself Sapna Chatterjee, and I will teach you English. Today, I will teach you about English language, and our first topic is tenses. Now we learn about tense. जैसा कि आप जानते हैं, tense का अर्थ होता है काल. Okay? Tense is the form of a verb that show the time something happened or is going to happen. टेंस मीन्स होता है काल, यानी वो कोई भी घटना जो पहले कभी घटित हो गई हो या वर्तमान में अभी घटना वो हो रही हो या भविष्य में वो होगी, उसे ही हम टेंस कहते हैं. ठीक है, इंग्लिश में दे आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस वो होती है जो पहले घटना घटित हो गई है, प्रेजेंट अभी घटना घट रही है, एंड फ्यूचर जो भविष्य में घटना होगी. ठीक है, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, एंड फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं. एज वी सी, ईच ऑफ दीज टेंसेस कैन एक्सप्लेन एन इवेंट दैट ऑक्योर्ड इन द पास्ट, एन इवेंट दैट ऑक्योर्स इन द प्रेजेंट, और एन इवेंट दैट विल ऑक्योर इन द फ्यूचर. मीन्स कोई भी घटना, कोई भी इवेंट जो पहले कभी घटित हो गई हो उसे हम पास्ट टेंस में कहलाएंगे, उसे पास्ट टेंस कहेंगे. मीन्स भूतकाल, कोई भी घटना जो अभी वर्तमान में घटित हो रही है उसे हम वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस कहेंगे, और कोई भी घटना जो फ्यूचर में घटित होगी, भविष्य में कोई भी घटना अगर कोई भी होगी तो उसे हम फ्यूचर टेंस की श्रेणी में रखेंगे. टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके टाइप्स, जिसे हमें याद रखना चाहिए. फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस. नाउ वी नो अबाउट द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टेंस. जस्ट लाइक राम प्लेज फुटबॉल, मीन्स राम फुटबॉल खेलता है. अभी ये वर्तमान में राम फुटबॉल खेल रहा है तो इसे हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखेंगे. नाउ वी नो अबाउट एग्जांपल ऑफ पास्ट टेंस. जस्ट लाइक राम प्लेड फुटबॉल, मीन्स राम फुटबॉल खेल चुका है. नाउ वी नो अबाउट द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर टेंस. जस्ट लाइक राम विल प्ले फुटबॉल, लाइक राम फुटबॉल खेलेगा. तो इस तरह ये फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हम इसे रख सकते हैं. ओके, नाउ वी नो अबाउट द टेंसेस. ओके, सबको समझ में आ गया टेंस और उसके टाइप्स ऑफ टेंसेस के प्रकारों के बारे में.